नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमें कॉल आए गोंदौनी गांव से, गोंदौनी गांव तालुका श्रीरामपुर जिला अहमदनगर, गोंदौनी गांव से शशिकांत गोरडे, इन्होंने हमें कॉल किया है। तो उनके घर के पास उनका घर का काम चालू है, उनके वहाँ पे काम के लिए कुछ ईंटें मंगाई हुई है उन्होंने, तो उन ईंटों में एक सांप दिखाई दिया है। तो दोस्तों चलो देखते हैं वहाँ पे कौन सा सांप मिलता है हमें, तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ वीडियो में आखिर तक। ఇండియన్ స్పెక్టికల్ కోబ్రా ఉంది, ఇండియన్ స్పెక్టికల్ కోబ్రా गेट बाहर।
बिस्लरी की बोतल पर नहीं खाली तो हेलो दोस्तों, तो आपने अभी भी देखा सांप पकड़ना कोई आसान बात नहीं है। हमें एक सांप पकड़ने के लिए लगभग 1500 से ज्यादा ईंट उठानी पड़ी, तब जाके हमें ये सांप रेस्क्यू हुआ है। तो हम दिखाते हैं दोस्तों, हमने एक बेबी कोबरा स्नेक रेस्क्यू किया है, तो हम आपको अभी दिखाते हैं इस बेबी कोबरा स्नेक और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। तो दोस्तों पहले सांप देखिए आप, हम आपको सांप दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये बेबी कोबरा स्नेक सुबह में रेस्क्यू किया है, जो कि वो लगभग हमको 1000 से 1500 के ऊपर हमने ईटे निकाली, तब जाके ये बेबी कोबरा स्नेक रेस्क्यू हुआ है। तो दोस्तों देखिए, हम आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाइए, हमारे दर्शक हमारे व्यूवर्स इस कोबरा बेबी कोबरा स्नेक को थोड़ा सा नजदीक से देखना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, यह एक बेबी कोबरा स्नेक है जो कि वेनमस स्नेक है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक नाम का एक जहर पाया जाता है, जो कि हमारे और आपके शरीर के लिए बहुत ही घातक है दोस्तों। तो ये बेबी कोबरा स्नेक अगर आपको काटता है, छोटा समझ के ऐसा ना समझिए आप, छोटा ना सांप है और नाग है, जो काटेगा तो आपको कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों इसका एक बूंद ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है। तो इसका एक ही बूंद हमारे शरीर में जाएगा तो पूरा नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है हमारी। तो दोस्तों इस ऐसे छोटे सांपों के नजदीक ना जाए, हो सके तो जितना दूर से हो सके उतना दूर से देखिए। हम कोबरा स्नेक के ऊपर भी काफी वीडियो बना चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये छोटे नाग के जो बच्चे होते हैं बहुत ही जहरीले होते हैं, तो इसके ज्यादा करीब ना जाए, हो सके तो जितना दूर से हो सके उतना दूर से देखिए। और आपके घर में ऐसा छोटा सांप का बच्चा आता है तो अपने नजदीकी गांव में जो सर्प मित्र हो, जो स्नेक फ्रेंड हो, उन्हें कॉल करके बुलाइए। या तो उनका नंबर नहीं मिला तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको आपके गांव के पास आज हम आपको आपके गांव के नजदीक का कोई स्नेक फ्रेंड का नंबर देंगे। तो दोस्तों अभी हम इस सांप को, इस बेबी कोबरा सांप को, कोबरा स्नेक को, तो यहाँ पे नेचर में इसके जंगल में रिलीज करने आए। तो दोस्तों अभी हम इसे रिलीज कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों। दोस्तों अगर आपको हमारा ये स्नेक रेस्क्यू का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपके घर में इस तरह के छोटे सांप आते हैं तो प्लीज हमारे नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम आपके सेवा में 24 घंटा हाजिर है।